खाली भाषण, खाली झूठ का पुलिंदा, खाली हिंदू मुस्लिम जात पात, हिंदू मुस्लिम जात धर्म करने से पेट भरेगा क्या जी? आज राशन कार्ड के माध्यम से अनाज में हम लोग एक और बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। जो अनाज तो मिलता ही था, अब एक किलो दाल भी अब गरीबों को हम लोग देंगे। बच्चों का तो बच्चियों का जो विषय है वो अब समाप्त करके, अगर हमारे घर में तीन बेटी है या चार बेटी है, चारों को सावित्री बाई फुले योजना में शामिल करेंगे। झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से आपके मार्गदर्शन, आपकी शुभकामना, आपके विचारों हेतु जोरदार तालियों से स्वागत स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड का। सनाम खुन पहल नोडे पे स्वास सटायर कान सनाम गोबवा बोया मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नाके को सनाम खोन पहल अली संखन हरियडी सराव आर गुरमना जोहार। यहां आज हमारे साथ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के शुभारंभ के शुभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे स्थानीय सांसद विजय हाजा जी, यहां उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू जी, यहां उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा मोनिका किस्को जी, यहां उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, प्रमंडलीय कमिश्नर लालचंद दाजल जी और जिला उपायुक्त पुलिस अधीक्षक तथा सभी वरीय पदाधिकारीगण और सरकार के सभी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए पुनः आप सबको भी जोहार करता हूं। तय नोंडे सरकार आरोपी गांव आपे लगी आय मालिकाना योजना मोटरा करते आपे आप पंचायत रहे नुआ कैंप लगाओ खाना नुमका के कैंप पहल हो 2021-22 में लगाओ लेता दोसा था आरो 2022 रे लगाओ लेता आर नुआ 2023 रे आरो मिलता हो कैंप आपे आप पंचायत रे आपे आ तू सुर को लगाओ कर आर जाले का उन जुखोय आपे आ रेंगे देतां कथा ताय लेना उन्हारे यहां दरखास्त को पे एम बढ़ा लेता और कोई पेंशन बाय जा मिला और कोई ओड़ा बाय जा मिला और कोई और हंसा रहे विवाद मिला तया और कोई नौकरी चाकरी रहा विषय सहाय लेना और
सा बसा रहा विषय ता लेना आए मालिकान दरखास्त कौन जो खोय को एम लेना आर पहल गांव कैंप ले लगाओ लेना कौन जो खोय पूरा झारखंड दिशम खोन लगभग 35 लाख आले आवेदन ले जाम लेता आज जब दोसार धाओ नुआ कैंप रुका के पंचायत पंचायत आतू आतू ले लगाओ लेता तो लगभग 55 लाख आवेदन आरो ले जाम के था मोटा मोटी बुझाओ पे नुआ बार धाम कैंप रे 80 लाख कोनो जस्ती पाले होए अपया आतु दिशों रे जे समस्या में रहा उनारिया जानकारी ले जाम लेता मतलब नीथो आबो आतु दिशों रे जो आबो समस्या को मिला मूलभूत समस्या को मिला ओना को तो बात जुड़ कर लो आखिर राज बिगाड़ करते 23 बच्चों हुयुक कांता बोना सरकार नवा राज दिसों रिया तो और यो अब समस्या उनका के मतलब नुमका हुयुक कांता है कि आतो दिसों नेला नहीं कोई होड़ कोई जिम्मेवारी के बाद वाता वेता है ब्लॉक रे कमी बांग हुई कांता है जिला रे कमी बांग हुई कांता है थाना थोड़े कमी बांग हुई कांता है तो बैठो इना गन समस्या है ना पूरा झारखंड दिसम को आ नवा आले ले बड़ाए करता है राज मामो न्याम के आयमा लड़ाई तपम करते आवर गुरुजी आयुर रे नवा दिसम लगे तिना बो लड़ाई ना आ लेकिन दुर्भाग्य करा कि नवा राज बिगाड़ करते जो उन्होंने सरकार चल आज नवा दिसम सजा बनाओ लगी जिम्मा को हाथाओ के दा उनको बेबान उनका हाथाओ के दा जो राज बिगाड़ रही घोर विरोधी को ताए लेना आर ओनर तक अब आतुरिया समस्या को तो मिट्टा को बांग जुट लें तब बोला ओनार में 2019 रे आए मां जोर लगाओ करते उनको ना सरकार आ मच्छी खोल ले फेंक के हुआ और आले सरकार ले बिनाम आज सरकार बिनाम करते जब आले कमी है अब ले सुचावे ताए आप इन पे येल ले गया कोरोना महामारी है तब ना वो तलारे और पूरा भारत सब बंद हो जावे ना पूरा दुनिया दिखो ये ना गाड़ी मोटर हाट बाजार दुकान दुकान सराम बंद हो ओनार के कुलूप कते ताइन में नुमा सरकार का कानून है ना अकाव बंद से इंदारिया ओनारे डेढ़ बच्चर खोलो जगती समय जॉब के दिया जब डेढ़ बच्चर बाद थोड़ा आले हिलो डुलो रहे हो किदा तो नुमका के कमी 2021 रे कैंप के लगाओ लेदा आर होना कैंप रिया परिणाम नुका है ना कि इन नुआ दिसोब रे नुआ कैंप रिया समस्या बुझाओ बढ़ाओ कते नुआ दिसोब रे मीटन कानून इन बिनाओ के दा आर होना कानून रिया जितुं हुई ना सर्वजन पेंशन कानून आर होना कानून ते सना भड़ा बुढ़िया वो पेंशन को जामे तब जहां नाम बढ़ाया तो कानून में बिना गड़िया
बना रहे, दुरुप करते पूरा झारखंड दिशा में कानून तो बाप बना रहे आतु दिशा में दाड़ा ना होड़ को कथा माजमा होड़ दरखास्त आप कही हुआ तबे तो लेकिन नोडे आप पे ब्लॉक करे किचु होड़ को सेनो कांता है किचु होड़ बागो सेनो कांता है आर अनुवाद दिशा में बनावट को नुकसान मिला आप ये गुरु अरे कोचा कोचा ओड़ा तबों दिशम तबों पदाधिकारी मको सेन बागो सेनो आज नवा सरकार आपके द्वार रे कार्यक्रम बिना करते सलाम सरकारी पदाधिकारी को नवा आदेश से करते नवा कैंपिंग लगाओ चुके हुआ जहाँ हॉर बांध ताय लेना जहाँ पुल पुलिया बांध ताय लेना और डे ट्रैक्टर ते सगार ते मोटरसाइकिल ते सेंड करते कैंप लगाओ करते आतु दिशम हॉर कुआं रे दरखास्त को अगुल लगा और जहाँ रे दिन उन जो कोई ट्रैक्टर ते को सेनो कांता है सगार ते को सेनो कांता है मोटरसाइकिल से को सेनो कांता है और नीर सड़क पुल पुलिया हो बेला चिदा कि उनको बड़ा है किदा इनको कि नई सरकार ओड़ा रे दुरु कते कमीनी सरकार तो बांग करा है आर दिसम होड़ा रंगे तितान कथा नई सरकार अडी मौज ते बढ़ाया है अकाइलो तुम्हारो वहां नुमका कैंप लगाओ तो बुना उनाते मां कमी हुई तबन गया आ ने सरी के नोआ तीसरा कैंपिंग लगाओ तो दहा और जाले का पहिल अबवा नोआ कैंप माध्यम देदा मौज होना रिया परिणाम है ना निश्चित रूप ते नोआ आतु दिसम होड़ को अडी सरावा को करा आर जा पदाधिकारी को लगाओ करा नोआ कमीरे उनको अडी अडी धन्यवाद ये मा को करा कि उनको हो अडी मौज ते नोआ को कमी केदा आर इन ते नोआ कथा को सटर केदा आज निश्चित रूप ते आज अनिया कैंप लगा करा नोआ कैंप रिया हो परिणाम अडी मौज बन जामा आर अब समस्या बई बई ते जाल का हरा मुड़ी को चबाए ना रेंगे ते तांकु चबा करना पेंशन को जामदा अब रंडी को और को सलाम पेंशन को जामदा हरा मुड़ी सलाम पेंशन को जामदा खिचड़ी को जामदा सलाम रेंगे नचार और बचोर रे बाहर दो आर नुआरिया कैंप रिया परिणाम करना कि आबो दिसम रे जहां तिन आबो रे कुड़ी गिदर को बिना कुआ उड़ा रे जहां आठवा नौवा दसवा क्लास को पढ़ा करना उनको सलाम लगभग 7.5 लाख कुड़ी गिदर को सावित्री भाई खुले योजना रिंग से ले दका कुआ आपे गोवा को जहां पे सिटे रे कार आबो रे गिदर को रे आबोरे नो कुड़ी गिदरा को जन्म करना आठवा नोवा क्लास को बांग को पढ़ा करना मोचते और पढ़ाओ सराय को खाए आपे हो जावाई साथ साथ में पंजाई कुआ नोवा कमी आप तो बगी आपे आबोरे कुड़ी गिदरा को पढ़ाओ को पे कैटाई को पे और उनको गिदर कुआ पढ़ा रहे आ सना जिम्मा नी सरकार है रकाबा उन्हें कानूनी बिनावा पे करना अब हॉल पढ़ा बांधते हॉल बोका को बिनाए बुना उनाते आपे सेन को निहार अब और इधर को तो आलो पढ़ा तो आलो पे बगी जो कुआ जहाँ लिखाते हो हॉल पढ़ा को पे आपे हो हरा राशन कार्ड ते सनाम को राशनी मापे करना नीत महाल उना राशन रे मी के जी दाल हो ये बापे आहा होना कानूनी पे नवा आज राशन कार्ड के माध्यम से अनाज में हम लोग एक और बढ़ोतरी करने जा रहे हैं जो अनाज तो मिलता ही था अब 1 किलो दाल भी अब गरीबों को हम लोग देंगे
और सावित्री भाई फूले का जो हम लोग का योजना था, जिससे हम दो बच्चियों को घर में, सावित्री भाई फूले योजना का लाभ दे रहे थे, अब ये दो बच्चों का, दो बच्चियों का जो विषय है वो अब समाप्त करके, अगर हमारे घर में तीन बेटी है या चार बेटी है, चारों को सावित्री बाई फूले योजना में शामिल करेंगे। हमको पता ही नहीं था, कानून बनाए थोड़ा अपना पॉकेट भी देखना पड़ता है सरकार का, सब कुछ ध्यान में रखकर हम लोग दो बच्चा का हिसाब किताब लगाया। लेकिन हम एक दिन अचानक कुछ बच्चियों से हमारी मुलाकात हुई, लगभग 20-25 को बच्ची एक साथ थी, हमने अचानक पूछ दिया सावित्री बाई फूले का योजना कितना बच्चियों को मिला, तो पता चला उन 20 बच्चियों में 19 बच्ची लोग हाथ खड़ा किया कि हमको मिल गया है, एक वो बच्ची बेचारी हाथ नहीं खड़ा कर पाई। हम बोले तुमको क्या हुआ बेटा, बोला नहीं हमारे घर में दो बेटी को मिल गया है, हम तीसरा है ना, इसलिए हमको नहीं मिला। तो हमको बहुत खराब लगा और उसी समय यह निर्णय किया कि अब बेटियों को पढ़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, हमारी जितनी बेटी होगी अब पूरा का पूरा उसका जिम्मा सरकार उठाएगा। तो इसलिए कई ऐसी चीजें हैं योजनाओं के बारे में, हमारे मंत्रीगण ने काफी कुछ बताया, हम उन सब चीजों पर हम बहुत दोबारा बातों को नहीं रखेंगे, अभी और भी कार्यक्रम है। अजी चार यूथ करना आरोप मिट्टा काकूड कार्यक्रम ले दो का, इसीलिए संक्षिप्त बातें रखेंगे। अभी आप ही का इसी आसपास में अभी भूलो जानो जल संरक्षण योजना यहां चल रहा है, अभी बरेड में डिग्री कॉलेज अभी हम देख रहे हैं यहां बन रहा है, यहां बरेड में तालाब एक था बहुत बड़ा सा, उस तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, ग्रीड भी यहीं पर बन रहा है, यहां 32 किलोमीटर का एक रांगा से सिमल ढाब का रोड, कुसमा का रोड, अल्पसंख्यक विद्यालय बन रहा है, ओबीसी विद्यालय बन रहा है, हर लगभग हर एक गांव में छोटा बड़ा तालाब बन रहा है, बन रहा है कि नहीं जी, बिना करा सिवान तालाब हो गड़िया को बिना करा अरे मौज, छात्रावास जो ताला होना बिना पूरा होना, हाई स्कूल या डीपीआर हो आरोप विधा बिना करा, बस आरो आयमा 20,000 का नोटे में पेंशन को जहां मिला नुआ प्रखंड के नाबोरे बड़ा बुड़ी को, तो उनका आयमा कमी आपे पे नेले था, आले रोड दो बाले रोड नहीं और करा, आले उदुआ नहीं और करा ले, लेकिन आबोरे विरोधी को उल्टा सीधा एके नेड़े एके नेड़े रोड नहीं और नितार को दान को अविदा चुनाव हिजुक करा लोकसभा चुनाव खातिर ते आर आय मालिकान एड़े सरी पहल मानुआ जब 2021 रे कैंप ले लगाओ लेदा उन जखो मानुआ योजना रे बहिष्कार को बहिष्कार लेदा नुकू उपुल बहा वाला विपक्ष को, और जब पहल धावा नुआ कार्यक्रम अडी मौज सफलता पूर्वक नवा पारम के डाले भाई भाई तक उनको को बुझाओ के दा भाई आबोरेन होड़ को हो तो पेंशन दरकार बिना तकवा, आबोरेन होड़ को हो तो आवाज दरकार बिना तकवा, हमारे लोगों को भी तो राशन कार्ड का जरूरत पड़ेगा। तो धीरे धीरे कई मंच में हमारे विपक्ष के लोग जा करके इन कैंपों में अपने लोगों को राशन अनाज दिलाने का काम किया, और दूसरा तरफ बहिष्कार करता है मेहमान लोग। 20 वर्ष में क्यों नहीं किया सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम, 20 साल में क्यों नहीं हमारे बच्चियों को
शासन खाली झूठ का पुलिंदा, खाली हिंदू मुस्लिम जात पात, हिंदू मुस्लिम जात धर्म करने से पेट भरेगा क्या जी? पेट भरेगा काम करने से, पेट भरेगा रोजगार देने से। आज हम लोग नौकरी भी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, गैर सरकारी भी नौकरी दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और हमारी जैसे केस की महिला दीदी लोगों को हर कैंप में जब भी कैंप लगता है, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 6 करोड़, इनके बीच में वितरण करते हैं। हम लोग कहां जो भी चीज, इसीलिए हम पहले ही बोले आप हॉर्ड कोई ना लेंगे नचार मना हुआ बेचारा नुको अफसर पदाधिकारी साला रोड रफोड़ और लड़ाई तपाम तो पाको दाड़िया थोड़ा दिखू को दाड़े खड़ा, लेकिन नेत पदाधिकारी आपे द्वार को दर्शनों कर होना तो आपे जहां लिखाते हो आपे समस्या उन्हें दोहे पे। और आप इस बार इस कैंप में बदलाव है, इस कैंप में एक एक आवेदन रजिस्टर्ड हो रहा है, और उस आवेदन का आपका जो नंबर उस आवेदन में लगेगा, उस नंबर का व्हाट्सएप आपके मोबाइल में आएगा, आपके फोन में उसका संदेश जाएगा, और आपका दरखास्त कहां जाके अटका हुआ है इसका भी जानकारी आपको उस मोबाइल से मिलेगा। आपने जो दरखास्त दिया है वो दरखास्त कोई फाड़ के नहीं फेंक सकता। इसका लगातार मॉनिटरिंग होगा और एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान होगा। आज इस कैंप के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं के बारे में स्टॉल लगा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन बच्चों के लिए है जो 10वीं पास करेगा, उसको हम लोग एक कार्ड देंगे और उस कार्ड के माध्यम से जो बच्चा आगे पढ़ने का जो अगला 4 साल का जो पढ़ाई होगा 12वीं क्लास के बाद जो डिग्री का कोर्स होगा, चाहे वो इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, वकील का हो या और भी कोई डिग्री कोर्स हो, उसके लिए जो 4 साल का पढ़ाई का जो सहायता राशि होगा, जितना उसको खर्चा होगा उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार देगी, इसलिए उसका हम लोग कार्ड बनाएंगे। हाँ एक बात जरूर है, वो खर्चा सरकार आपको पढ़ाई करने के लिए देगी। 4 साल का कोर्स होगा तो 4 साल के लिए देगा, 5 साल का कोर्स होगा तो 5 साल के लिए देगा, और 1 साल और बढ़ाकर 5 साल का होगा तो 6 साल तक के लिए, 4 साल का होगा तो 5 साल तक के लिए, और 5 साल तक आपको पैसा वापस नहीं करना है। और जब आपको डिग्री पाने के बाद आपको नौकरी मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर। और कोई गारंटी नहीं लगेगा, आपको कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, गाय गोरू बंधक रखने का जरूरत नहीं है, आपका गारंटी सरकार बनेगा। हमारे इन आने वाले समय में जो बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाई का जो खर्चा लगता था, डॉक्टर बनने में बहुत खर्चा लगता है, इंजीनियर बनने में बड़ी खर्चा लगता है, किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख,
और हमारा गरीब लोग कहां से लाएगा बेचारा। तो हमारे डॉक्टर, हमारे बच्चे भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा भी अब डॉक्टर, इंजीनियर बनने से वंचित नहीं होगा। उसको सहायता राशि अब झारखंड सरकार उपलब्ध कराएगी। अभी तो आप लोग को जानकारी मालूम है, कभी जो हम लोग सभी सपने में नहीं सोचते थे, कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा ये कभी नहीं सोच सकता था कि हमारा बच्चा विदेश में कभी जाके पढ़ेगा। लेकिन आज जाके देख लीजिए, इन 3 साल में 50-60 बच्चा, हमारा आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक का बच्चा विदेश में जाके पढ़ रहा है और उसका पूरा खर्चा सरकार दे रही है और उसको पैसा वापस भी नहीं करना पड़ रहा है। कोई विदेश में ही नौकरी पा रहा है, कोई वापस आकर के यहां काम कर रहा है। और हमारे विपक्षों को पेट में दर्द हो रहा है, ये लोग तो आज तक कुछ किया नहीं, खाली झूठ बोल करके। आम दिना जब महामारी नहीं था, सामान्य जीवन में लोग राशन कार्ड में हाथ ले करके, हाथ में रख करके भूखा मरा लोग, ये इन लोगों ने दिन दिखाया। इस राज्य से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। ये तो कोरोना में मंजर हमने देखा है, जहां आपको अपना मजदूरों को हवाजहाज से ला करके अपने घर भेजना पड़ा। अभी बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आप लोगों को किस कृषि के नए तरीके से जोड़ा जा रहा है। आप जो धान लगाकर अपना जीवन यापन करते थे, एक फसल पर ही पूरा साल गुजारते थे, आप इसके अलावा आप और भी खेती कर सकते हैं। इसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आप अपने खेत में नए तरीके के पौधे के माध्यम से अपने आय का वर्धन, आय बढ़ा सकते हैं। पशुधन योजना के माध्यम से गाय गोरु, बकरी, मुर्गी, सुअर सब बटने का आप लोगों ने प्रावधान कर दिया 90% के अनुदान में। लेकिन पहले एक बहुत बड़ा विडंबना था, हमारे किसान भाई लोग जब जानवर लेता था, कई जानवर लोग मर जाता था तुरंत, और फर्जी वाला भी बहुत होता था। आप कोई भी जानवर, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, जो भी मिलेगा, अब आपको वो जानवर बीमा करके आपको वो जानवर मिलेगा। अगर गलती से जानवर मर जाएगा तो उसका पूरा पैसा आपको बीमा कंपनी देगा। तो इसीलिए अब जानवर पालने का भी पद्धति हमें अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे किसान दूसरा काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोग आपके बीच में आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हमारी चिंताएं आज भी बनी हुई है। हम अभी और भी कई काम करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे विपक्ष लोग आए दिन हमारे कामों में रोड़ा लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये लोग तो अब ईडी सीबीआई के पीछे जाके छुप गया है और उसी को सामने कर देता है, और इसको लगता है कि ईडी सीबीआई के नाम पर ये सरकार डर जाएगी। ये सरकार डरने वाली नहीं है, ये सरकार लड़ने वाली है और भगाने वाली है। आप अगली बार ही लोग, अभी ये जो आप लोगों का अधिकार, आप लोगों का हक जो गठरी बांध करके हम कैंप में भेज रहे हैं, अब अगली बार इनको गठरी में बांध करके गुजरात में भेजना पड़ेगा आप लोग। इसमें 2-4 को नेता हम लोग का आदिवासी भाई लोग भी बना।
समय अपने आप को शिव सोरेन बनने के लिए निकला था बेचारा मैदान में। 14 साल बिताया शिव सोरेन तो बन नहीं पाया, लेकिन अब शिव सोरेन के सावक के साथ उलझ रहा है। चिंता नहीं कोई बात नहीं, अभी लोग छुप छुप के वार करता है। अरे सामने आके वार करो ना, पीछे से काय लड़ते। जब राजनीतिक ताकत खत्म होता है तो उलूल जुलूल आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? आज जिस सरकार ने भ्रष्टाचार करके पूरा राज को बेड़ा गर्क कर दिया है, उस भ्रष्टाचारी को आज गवर्नर बना करके भेज दिया। अरे वाह, इनका आलम, इनका काम करने का तरीका, दाल तेल नमक कागज कलम कपड़ा दवा सब चीज का दाम देख लो आप कहां आसमान छू रहा है। जो मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया था, बेचारा ऐसा गैस सिलेंडर दे दिया कि गैस सिलेंडर क्या आपका पेट भरेगा, गैस सिलेंडर तो अपना पेट भरना चालू कर दिया। कहा 400 का सिलेंडर, 1000-1200 रुपया का सिलेंडर कर दिया। और वो सिलेंडर जो गरीब बेचारा जबरदस्ती ढो के ले गया, अब वो गरीब उस सिलेंडर के ऊपर एक टोकरी रखता है, उसमें बेचारा कचड़ा पचड़ा जो भी घर का है वो रखना शुरू कर दिया और कोई काम नहीं आता। एक कोना में उसको जगह दे दिया, बल्कि उल्टा घर का एक कोना जगह छेक लिया। लेकिन बड़ा चतुर चालाक इनका होशियारी। अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा है, वहां की सरकार कितना 500-400 रुपया गैस सिलेंडर दे रही है, अपने खर्चे पर बाकी पैसा दे रहा है। अभी इन लोगों ने भी चुनाव जीतने के लिए 450 रुपए कर दिया। अरे भाई, आप सिर्फ राज नहीं पूरा देश के सरकार हो, देश में आपका सरकार है, पूरा देश का गैस का सिलेंडर 450 रुपए क्यों नहीं करते हो? अलग अलग राज, अलग अलग आदमी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून। कैसे हम अमीरों का और पेट भरे, कैसे अपने व्यापारी साथियों का पेट भरे, उसके लिए अलग कानून। गरीबों का कैसा हम शोषण करें, इसके लिए अलग कानून। अभी वन अधिकार कानून इन लोगों ने उसको इस तरीके से कर दिया है कि एक लड़ाई यहां के आदिवासियों को, यहां के मूल वासियों को फिर से लड़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी एक मिशन मोड में आबुआ वीर आबुआ दिसोम रे योजना ले अगू का आ नवा दिसोम रे जहां तिना और वीर बुरु करे बसा बड़ा होगा ना, उनको सलाम को निश्चित रूप से पट्टा एम कहते चबा हुई हुआ होना सरकार से को आदेश हुई का ना होना ते आपे मौज से ग्राम सभा कहते जहां तिना आपे होड बिना प्या एकदम ईमानदारी से आपे अपना दरखास्त बनाओ करते उन्होंने भोरा पे अगला शिविर जब लगा उन्होंने सलाम बन पट्टा रे दरखास्त जमा हुई लगती करा होना आदेश नियम का हुआ। आज राज के अंदर हम लोगों ने यहां के आदिवासियों को धर्म कोड देने के लिए कानून बनाया, विधानसभा से पारित किया, भेज दिया, लेकिन कुंडली मार के बैठ गया। यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण देने का बाद, गरीबों का आरक्षण बढ़ाने का बाद कानून बना दिया, लेकिन गवर्नर उसमें कुंडली लेके बैठ गया। अजीब हालत। और सब राज्य में कई गवर्नर सब लोग भी यही काम कर रहा है, कई
कहीं पर वहां का सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कि गवर्नर आजकल राजनेताओं की तरह व्यवहार करते हैं और केंद्र सरकार का प्रचार प्रसार में लगे हुए। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि यहां पर हमारे आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, ओबीसी का, सभी का आरक्षण का प्रावधान की व्यवस्था हो, लेकिन ये करने नहीं देते। किसी ना किसी तरीके से अड़ंगा लगाने पे लगा हुआ है। ये भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, हम लोगों को। इसीलिए आज राज तो राज, अब देश के कुर्सी से भी इनको धकेल के गिराना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो इसीलिए कई सारी चीजें हैं, अगर हम बातें करें तो और भी समय लगेगा। हम लोग भेदभाव की राजनीति नहीं करते, आम जनों की सुख दुख के साथ ही बनकर रहने का हम लोग का सदियों का परंपरा है। और जहां लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, और इन सब झूठे मक्कारों के से बच जाते हैं, तो वहां पर इनका राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता। जब जब चुनाव आता है तब तब इनको भोगनाडी याद आता है, तब तक इनको उली हाथ बिरसा भगवान का घर याद आता है। कितना दिन से ये लोग भोगनाडी आते हैं, पूछिए जरा इन लोगों से, कितना दिन से ये लोग उली हाथ जा रहा है, पूछिए इनसे। अभी 99-95 का ये गुमानी बराज बन के तैयार, लेकिन कनाल में एक बूंद पानी नहीं गया। हम आपको भी बताना चाहते हैं, अगला बारिश में आप पूरा कनाल में पानी लबालब रहेगा और सभी खेतों में पानी पहुंचेगा। हम लोगों ने काम पूरा कर दिया। यहां एक और बात आई अभी अभी, जो हमें पहले भी ये दरखास्त मिला था, लेकिन हमने इस पर प्रयास करते हुए इस बात की जानकारी ली थी। हमारे यहां पर शेरशाहवादी भाई लोग बड़े संख्या में, उनका प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र और क्या क्या प्रमाण पत्र नहीं बनता था, आप उसके लिए अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। अब वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। अब ये कैंप लगा है, इसमें आप अपना दरखास्त देना शुरू कर दिए। जिला प्रशासन अब इसकी तैयारी कर शेरशाहवादियों को भी उनका प्रमाण पत्र देने के लिए तैयारी कर चुका है। तो इसीलिए और बहुत ज्यादा नहीं करते हुए हमको और भी आगे कार्यक्रम में जाना है। इना के मैं कहते नोआ जा कैंप रे पे सौ सटेर खान गो बाबा बोया मजियाड़ा गुड़ित नायके को जहां नि बाको सटेर खान आरो कैंप को लगा ओंडे पे सटेर दाड़ेगा ओंडे पे सटेर दाड़े खान आम दिना हो ब्लॉक रे संकते आपे अपना दरखास्त पेमा ओना दरखास्त ओना रे रजिस्ट्री हुई हुआ आर ओना आले फिर सटेर आर आपे समस्या ले जूता नेतायमान खान राजनीतिक षड्यंत्रकारी को दड़ाना दिशा दो अपे जहां थे जहां रे आपे तीसो सेन बापे दाड़े कांता है ओना व्यवस्था आपे दुआरे से नो करना योजना रे गठरी बिना बिना करते आपे आतु आतु को दड़ान करा पदाधिकारी को आर ओना रे दाड़े पे जेल के दा कर दी ताबोरे हड़ा पड़ी पेंशन को न्याय मिला रंडी को और पेंशन को न्याय मिला विकलांग पेंशन को न्याय मिला पहल विकलांग हो हुई कते
बच्चों को भी उकान था गिदर को तो भी पेंशन को जा मिलता है नि पांच बच्चों को अब और गिदर को भी लेखान अगर विकलांग बनाया तो पेंशन नहीं आमा उना ते कोई हो बिना पेंशन ते आलो को ताहिन मा उना कैंप करे नुआ दरखास्त नेम पे और नोडे रन जा गोगो और को बाबा और को बगी बड़ा होकान को उनको हो पेंशन ने ले मांगवा नुआ हो कानून बिना आमीन नुआ के मुझे रही कथा आरो आयमा परिसंपत्ति को हटिक रिया मिला उद्घाटन शिलान्यास आयमा को दो हो कहा आयमा हाने नोडे ना रोड सड़क को बिना करा नुआ भोगना डी रिया बारिया रोड नुआ आड़े ते आना आड़े ते जुक आता है अड़ी अड़ी उना शहीद दिवस और जयंती दिवस को दिना जाप रे बहुत दिगुन कान था है आप पे बड़ा गया उना को औसार लगी और हिजू आ बच्चों रे जब नुआ शहीद दिवस और जयंती दिवस रे बहुत जमामा तो नौकान हसा या करे उल्टा पुल्टा और या दरकार तो बांग हुई तब ना अभी मौज तो ना सड़क हाँ ओसारो तब ना उना हाँ सड़क हो एवं करना कमी निया के मेन करते कथा आरो मिदा मुझे दा जहाँ दिना पे सौर चर सिटर कान आरो मिदा वाली संख्या ना डेली सराव और गुण बनाओ जुहार।